क्या ये व्हाइटनिंग क्रीम वर्थ बाइंग है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं, किस टाइम यूज करनी चाहिए, अफोर्डेबल है या नहीं, सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दूरबीन। तो आज है हमारे पास ड्यू 11 जो कि एक ब्राइटनिंग क्रीम है, व्हाइटनिंग क्रीम है। बाहर से इसकी पैकिंग देख लें, ये कुछ इस तरह की दिखती है, सही है। और इसको हम बाहर भी निकाल लेते हैं तो अंदर से कुछ इसकी जो ट्यूब है ना वो ऐसी है। प्राइस है इसकी 1200 रुपये और ये 30 ग्राम की ट्यूब है जैसे कि आपका नजर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला इस क्रीम के बारे में, एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की है एक्ने और पिंपल्स वगैरह के निशानात के लिए। जो डॉक्टर ने इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया है वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है डायरेक्शंस में, आप रीड कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। और चाहे तो आप इसको पूरे फेस पर लगा लें या फिर सिर्फ उन एरियाज पर लगा लें जहाँ पे निशान वगैरह हैं पिंपल्स के। और जाहिर है इसको लगाने से पहले आपका फेस अच्छे से साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, आपने किसी अच्छे फेस वॉश से अपना फेस धोया हुआ हो। एक्सपायरी डेट आपको बता दी गई है जो कि 2025 की है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दूसरी साइड पे दिए गए हैं। तो ये तमाम जो है वो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, आप रीड कर सकते हैं। अब ये क्योंकि वाइटनिंग क्रीम है तो इसके इंग्रेडिएंट्स में नियासिनामाइड यानी वाइटामिन B3, कोजिक एसिड और अल्फा आर्बिटिन वाइटनिंग एजेंट्स हैं या स्किन लाइटनिंग एजेंट्स हैं। जबकि जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे फिल्टर्स भी इस क्रीम में शामिल हैं जो कि आपको सन से प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन इस क्रीम की पैकेजिंग पे कहीं भी SPF लेवल मेंशन नहीं किया गया। देन आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये कोई पैराबेन फ्री क्रीम नहीं है, इसमें पैराबेन्स शामिल हैं जैसे कि मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन, और साथ साथ इसमें DMDM हाइड एंड टॉइन जैसा प्रिजर्वेटिव भी शामिल किया गया जो कि आपको स्किन पे रैशेज, एलर्जिक रिएक्शंस और इची स्किन का बाइस भी बन सकता है। और अगर आपको याद हो तो ये वही इंग्रेडिएंट है जो ट्रेस्मे शैम्पू में डाला हुआ था जिसकी वजह से मेरी स्कैल्प इची हो गई थी और इतने मोटे मोटे फ्लेक्स बन गए थे। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट को लेके ये क्लेम करते हैं कि ये आपको ब्राइटर, हेल्दियर और ग्लोइंग स्किन देगी। इसके अलावा ये हाइपोएलर्जेनिक है यानी कोई एलर्जिक रिएक्शंस कॉज नहीं करेगी, साथ ही साथ नॉन कोमेडोजेनिक है यानी आपके पोर्स क्लॉग नहीं करेगी यानी एक्ने नहीं करेगी। और इस तरफ आ जाए तो ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपको इवन स्किन टोन देगी, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, सनबर्न्स, फाइन लाइंस, फ्रेकल्स, इन सब की अपीयरेंस को कम करेगी। अब ये क्रीम डर्मेटोलॉजी के लिए टेस्टेड है या नहीं ये नहीं मालूम मुझे क्योंकि इसकी पैकेजिंग के ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि ये डर्मेटोलॉजी के लिए टेस्टेड है। खैर, एक वेबसाइट मैंने चेक की थी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये डर्मेटोलॉजी के लिए टेस्टेड है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन अगर ये डर्मेटोलॉजी के लिए टेस्टेड है तो ड्यू टेक स्किन केयर को चाहिए कि इसके ऊपर मेंशन करवा दे। अब ड्यू टेक स्किन केयर वो कंपनी है जो ये वाली जो व्हाइटनिंग क्रीम्स है उनको मैन्युफैक्चर कर रही है और ये मेड इन पाकिस्तान है। आए जी, अब हम इस ट्यूब को ओपन करते हैं। अच्छा, मुझे ना इस तरह की जो कैप्स होती हैं वो बहुत पसंद हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट या ट्यूब वगैरह के ऊपर इस तरह की कैप चढ़ा दो तो मेरे जैसा बंदा समझता है जैसे बहुत ही हाई फाई प्रोडक्ट है, तो इसका तो ले लेना चाहिए। अच्छा, ट्यूब ओपन करने के बाद जब आप इस ट्यूब को अपने नाक के करीब करते हैं ना तो आपको एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी खुशबू सूंघने को मिलेगी जो ना तो चुभने वाली है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, पंजेंट या मेडिसिन टाइप तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत ही धीमी सी प्यारी सी खुशबू है। वैसे इस ट्यूब में काफ़ी ज़्यादा हवा डाली हुई थी, 1/3 यानी 1/3 part, या कह लें कि उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा हवा डाली हुई थी इसके अंदर जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। चलें जी, अब हम इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं। तो ये अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है, हल्का सा इसमें ना रेड कलर ऐड किया गया है, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह जब दूध थोड़ा सा ज़्यादा कट जाता है ना तो वो रेड रेड सा हो जाता है, बिल्कुल उस तरह का। अब मुझे ना इसका टेक्सचर बहुत पसंद आया है, थिन सा टेक्सचर है, थिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्रीमी सा मिल्की सा टेक्सचर है, स्प्रेड बहुत मज़े से हो जाती है और लगाते साथ ही बिल्कुल गायब है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कुछ लगा भी हुआ है हाथ के ऊपर। अच्छा, जहाँ आप इसको लगाएंगे ना वहाँ लगाते साथ ही आपकी स्किन सिल्की स्मूथी हो जाती है, आपकी स्किन फ्रेश सी लगती है, एक ग्लो सा आ जाता है फील होगा आपको और थोड़ी वाइट वाइट सी लगती है स्किन। तो अब मैं इस क्रीम को 2 दफ़ा तो नहीं यूज़ कर सकी, मैंने इसको 1 मरतबा यूज़ किया है रात के टाइम डेली, और ये ट्यूब जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है, ख़त्म हो चुकी है। इसमें जो थोड़ी सी है ना वो मैंने खुद बचाई थी इसके अंदर वीडियो बनाने के लिए। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इंस्टेंट क्या रिजल्ट्स देगी आपको ये क्रीम। तो लगाते साथ ही आपकी स्किन फ्रेश, हेल्दी और हल्की सी वाइट वाइट सी लगती है, देन ये ग्लोई डोई सी फिनिश देती है, ठीक है, और ग्लो सा आ जाता है आपके फेस पे। और अगर इस क्रीम के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो मुझे इस क्रीम से कोई एज सच रिजल्ट्स नहीं मिले, बहुत कभी बहुत हल्का सा लगा कि थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्शन ब्राइट हुआ या इवन टोन हुआ है कॉम्प्लेक्शन, दैट्स इट।
जो पिंपल्स वगैरह के निशान थे वहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस क्रीम से, लेकिन इस क्रीम ने मेरी स्किन को इची जरूर कर दिया था। तो इस क्रीम के साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि रैशेस, बर्निंग फील होना स्किन पे इरिटेशन होना और इची स्किन। अच्छा, मैं इस क्रीम को ना अपने फेस पे और नेक के ऊपर यूज करती थी, तो इसको यूज करने से हुआ ये कि मेरी ना जो जॉ लाइन वाला एरिया है वहां पे, पूरे फेस के ऊपर नहीं, जो सिर्फ जॉ लाइन वाला एरिया है वहां पे और नेक के ऊपर खारिश रहना स्टार्ट हो गई, और छोटी छोटी सी ना वहां से स्किन थोड़ी सी उभर के, लाइक स्वेल जैसे हो जाती है वहां से उभर के, और उसके ऊपर खारिश रहना शुरू हो गई। तो इस चीज़ को मैंने नेट पे देखा, तो नेट से ये पता चला कि इस तरह के जो स्किन हो जाती है ना उसको हाइव्स कहते हैं, और उसके ऊपर खारिश रहती है, मतलब इचिनेस सी रहती है वहां पे। तो ये चीज़ तो मैंने डिस्कवर कर ली थी कि इस क्रीम की वजह से स्किन रिएक्शन हो रहा है मुझे, इस वजह से ऐसा हो रहा है, इस वजह से मैंने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया, लेकिन तब मैं ऑलमोस्ट ये पूरी क्रीम इस्तेमाल कर चुकी थी। खैर, मैं इसको दोबारा नहीं खरीदने वाली, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर की रिकमेंड की हुई इस ड्यू 11 क्रीम को मैं नॉट रिकमेंड करूंगी, क्योंकि एक तो ये मेरी स्किन को सूट नहीं की, प्लस इसने कोई ऐसा रिजल्ट्स भी नहीं दिए। स्टिल अगर आप मेरे से ये पूछें कि ये क्रीम आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये आपको किसी भी लोकल कॉस्मेटिक्स शॉप से भी मिल जाएगी और मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। एक दो लिंक्स मैं आपको दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा, तो एक्सप्लोर करते रहिएगा खुद ही इस क्रीम को। तो अब अगर आप मेरे से ये पूछें कि ये वाइटनिंग क्रीम अगर हम ना यूज़ करें तो फिर कौन सी यूज़ करें, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी इजमीर ब्यूटी की ये वाइटनिंग क्रीम। सेफ टू यूज़ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और तुर्की की बनी हुई है ये, 1350 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो इन दोनों क्रीम्स की प्राइसेस में तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये आपको मिल जाएगी 1200 में, तो ये मिल जाएगी 1350 में, लेकिन इन दोनों क्रीम्स की जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं आपको, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ इस क्रीम की आपको 30 ग्राम यानी 30 ml क्वांटिटी दी गई है, वहाँ इस क्रीम की आपको 130 ml क्वांटिटी दी गई है, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ये फ्री फ्रॉम पैराबिन है, और इसके इंग्रेडिएंट्स में जो वाइटनिंग वाले इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, उनमें शामिल है लिकोरिस, शिया बटर और अल्फा आर्बुटिन। इसको भी आपने 2 टाइम यूज़ करना है, सुबह और शाम, और ये मैं अंदर से दिखा देती हूँ आपको। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, और सॉफ्ट सा कर देती है आपकी स्किन को। इंस्टेंट रिजल्ट तो इसका कोई असर नहीं लगा मुझे, ये सिर्फ एक लाइट से नॉन ग्रीजी मॉइस्चराइजर के तौर पे काम करती है, दैट्स इट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो मुझे देखने को मिला इससे वो ये कि ये आपकी स्किन बहुत मज़े की स्मूथ सी कर देती है, टेक्सचर इम्प्रूव करती है, देन एक ग्लो सा देती है, चमक सी आ जाती है आपकी स्किन में, और आपकी स्किन का पहले के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्शन ब्राइट हो जाता है। खुशबू इसकी अच्छी है, सेफ टू यूज़ है, तो यानी लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अब ये मिलेगी कहाँ से आपको, उसके लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। यही थी जी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भी थम्स अप दे दीजिएगा, और मेरे चैनल दूरबीन को सब्सक्राइब आपने लाजमी करके जाना है। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।